हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ममता निर्वाल ट्यूटोरियल। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 11। इसके अंदर हमने कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के क्वेश्चन लिए हैं, जो कि हर पेपर में बहुत ज़रूरी हैं। जैसे डीएसएसपी के पेपर में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन सब के अंदर आते हैं। साथ में ये क्वेश्चन जो होंगे वो सी टेट और एच टेट में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लगभग 50% जो होते हैं वो पेडागॉजी के ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। Question 71. The intelligence development of a child in the different stages of his age always be, its option is first, normal. Question 72. If a child has learned to propriety with the atmosphere, as a teacher, what is your opinion about that child? तो चाइल्ड के तरफ जो हमारा ओपिनियन होगा एज अ टीचर, तो वो होगा इंटेलेक्चुअल, जो कि क्वेश्चन जो कि ऑप्शन हमारा टू है। क्वेश्चन 73. द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लिनेशन इन द लेवल ऑफ एजुकेशन इज, तो वो होगा हमारे पास ऑल द अबव। ये सारे के सारे जो ऑप्शन हैं, ये सारे के सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से एजुकेशन जो होगी वो डाउन जा सकती है। क्वेश्चन 74. It is necessary to improve the level of education. तो इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड, अमेंडमेंट इन द कैरिकुलम और सिलेबस, यानी चेंजमेंट, थोड़ा बहुत हम चेंजमेंट कर सकें कैरिकुलम या सिलेबस में, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो। 75 क्वेश्चन. विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, तो बेस्ट मेथड होगा कन्वर्सेशनल मेथड, जिसके अंदर बच्चा भी कन्वर्सेस करे टीचर के साथ और दोनों का इंटरेक्शन हो, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट, कन्वर्सेशनल मेथड। क्वेश्चन 76. साइकोलॉजिकल नॉलेज इज नेसेसरी इन द ऑल रीजंस ऑफ लाइफ, व्हाई, तो इसके अंदर आएगा टू मेक लाइफ प्लेजेंट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा ऑप्शन जो फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 77. क्रिटिकल पेडागॉजी फॉर्मली बिलीव्स दैट, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा थर्ड, द एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ऑफ लर्नर्स आर इम्पॉर्टेंट, तो हमारा जो आंसर है वो थर्ड है। क्वेश्चन 78. द क्वालिटीज विच चिल्ड्रन गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड, इसका ऑप्शन टू है हेरिडिटी, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, कॉमन आंसर था। क्वेश्चन 79. विच टाइप ऑफ नेचर विल यू हैव इन योर क्लास टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड होगा, लविंग एंड सिंपैथिक, यानी आप साथ में मतलब प्यार भी करें बच्चों के साथ और इमोशनली भी अटैच्ड होंगे, तो इसका ऑप्शन जो सेकेंड है वो राइट ऑप्शन है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा थर्ड, नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ वॉइस, तो ये डीमेरिट नहीं है लैंग्वेज की, तो ऑप्शन हमारा जो थर्ड है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 81. द मेन रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज, एटमोसफेयर, एज, हेरिडिटी, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा, ऑल ऑफ द अबव। हेरिडिटी भी डिपेंड करती है साथ में उसकी एज और एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहा है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ। क्वेश्चन 82. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, तो डेवलपमेंट है अगर की बात कर रहे हैं तो डाइट डेफिशिएंसी इन द एक्सपेक्टेंट में ज़्यादा पाई जाएगी, तो डेवलपमेंट जो होगा वो कम होगा, तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, क्योंकि डाइट डेफिशिएंसी की वजह से, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 83. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सोर्स फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, तो इसका राइट ऑप्शन होगा फैमिली, सबसे पहले जो बच्चा होता है वो फैमिली से इंटरेक्ट करता है। क्वेश्चन 84. लॉरेंस कॉलबर्ग इज नोन फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ टेस्ट डेवलपमेंट, तो कौन सी डेवलपमेंट में था, वो है मॉरल डेवलपमेंट में, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है थर्ड। क्वेश्चन 85. अ चाइल्ड विद इंटेलिजेंस क्वेशेंट 105 विल बी क्लासिफाइड एज, तो कैस में आएगा वो आएगा हमारा, कंसिडर किया जाएगा अबव एवरेज इंटेलिजेंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है टू। क्वेश्चन 86. द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड
डेवलप इन दिस स्टेज, कौन से स्टेज में बच्चा जो शर्म भी आ जाती है या फिर अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है, तो ऐसी जो फीलिंग्स होती हैं कौन से स्टेज में आ जाती हैं, वो है चाइल्डहुड स्टेज। तो इसका ऑप्शन हमारा टू हुआ। क्वेश्चन 87, वोकैबुलरी ऑफ एन इन्फेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो 2 साल का जो बच्चा होगा उसकी वोकैबुलरी कितनी होगी, तो वो होगी 150 वर्ड्स। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 88, अकॉर्डिंग टू प्याजे हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो कितनी स्टेजेस प्याजे ने दी थी, वो है 4 स्टेजेस दी थी, जो कि ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 89, हु प्रोपाउंडेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी, वो था स्पेलमैन। तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है। क्वेश्चन 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का कौन इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है, वो है इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। वो सबके साथ ऐसा नहीं होता कि सभी का डेवलपमेंट बराबर चल रहा होता है, सबका एक अलग अलग डिफरेंस होते हैं हर एक के अंदर, और अलग अलग पेस से उनका डेवलपमेंट चल रहा होता है। क्वेश्चन 91, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस, सो अ टीचर शुड, इसका आंसर होगा फर्स्ट प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो उसको काफी तरीके से अलग अलग टाइप से कोशिश करे उसको समझाने की, और उसको एक्सपीरियंस कराए अलग अलग टाइप की लर्निंग के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। क्वेश्चन 92, पर्पस ऑफ इवेल्युएटिव फेज ऑफ एजुकेशन इज। तो ये पर्पस क्या है इसका, वो है ऑल ऑफ द अबव, जो कि ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो हमारा इसका आंसर हुआ फोर्थ। क्वेश्चन 93, द प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड इन स्टेज अकॉर्डिंग टू इरिक्सन। तो वो कौन सा था, वो था 8। तो ऑप्शन जो हमारा थर्ड है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 94, द वर्ड सिमिलर टू एडजस्टमेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड, एकोमोडेशन। क्वेश्चन 95, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज्ड इन टीचिंग स्ट्रेटर्जी। तो वो होगा हमारे पास ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी होनी चाहिए, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड, तो इसके अंदर होगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इंटेलिजेंस। तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, क्रिएटिव होगा बच्चा तो वो इंटेलिजेंट भी होगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 97, अ क्रिएटिव चाइल्ड मे बी पुअर इन। तो ये इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ऐसे कोई क्रिएटिविटी जो होती है वो कुछ डिफाइन नहीं करती है कि ये वैल्यूज होंगी तो वो क्रिएटिव होगा। तो इसके लिए हम नन ऑफ दीज आएगा ऑप्शन फोर्थ, क्योंकि क्रिएटिविटी की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती। क्वेश्चन 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो वो होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग्स। तो जितना हमारा टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होगा उस हिसाब से प्रोग्रेसिव एजुकेशन ज्यादा अच्छी चल सकती है। क्वेश्चन 99, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस, सो अ टीचर शुड। तो हर एक के अंदर एक अपना इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, तो टीचर इसमें क्या कर सकती है, शी कैन प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 100, अ चाइल्ड एंड हर फादर आर स्ट्रोलिंग। The child knows there are some things as bird, but she had never seen a kite before. Upon seeing the kite, she says, "See the bird." And her father says, "No, dear, it's a kite." This example demonstrates. तो ये किसको डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये है एसिमिलेशन, जो कि उसने अपनी प्रीवियस नॉलेज को अपनी जो जो प्रेजेंट में यूज किया है। तो क्योंकि उसको लगता था कि जो भी चीज उड़ती है आसमान में उसको हम बर्ड कह देते हैं, लेकिन जो काइट होते हैं वो भी आसमान में ही होते हैं, तो उसको वो चीज नहीं पता थी। तो इसलिए उसने एक कनेक्शन बिठाया है अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ। तो ये आएगा हमारे एसिमिलेशन के अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है फर्स्ट। गाइज, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि पेडागॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट के थे। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें उस चीज़ को। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर दें उसमें, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी, एक अलग से वीडियो भी बना देंगे अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने
जो भी प्रैक्टिस सेट आते हैं उनके अच्छे से प्रैक्टिस करें. थैंक यू गाइस.